Hello, good morning students. How are you? I hope you are very well. आज हम पढ़ रहे हैं accounting terminology में कटौती बट्टा यानी discount. क्या होती है कटौती? इसके बारे में मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ. एक व्यापारी है और वह व्यापारी हमेशा चाहता है उसका लाभ अधिकतम हो, और अधिकतम लाभ कमाने के लिए उसको अपना माल सबसे ज्यादा बेचना पड़ेगा, और जब तक वो सबसे ज्यादा माल नहीं बेचेगा तब तक अपना अधिकतम लाभ का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएगा. और माल बेचना, और वो भी चाहता है कि जो माल बिका है उस बिक्री की रकम उसको जितनी जल्दी हो प्राप्त हो जाए. ठीक है, इस उद्देश्य के लिए वह अपने ग्राहकों को थोड़ा लालच देता है, और लालच में कहता है कि भाई अगर आप ये माल ज्यादा मात्रा में खरीदते हो तो आपको जितना विक्रय मूल्य होगा उसमें से कुछ राशि छूट कर दी जाएगी, यानी वो राशि आपको भुगतान नहीं करनी पड़ेगी. उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि वह अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को कहता है कि आप 100 रुपए का माल खरीदते हो तो हम आपको 5 रुपए की छूट देंगे, यानी 100 रुपए वाला माल 95 रुपए में दे देंगे. तो ग्राहक को 5 रुपए का यह फायदा हो रहा है. इस चक्कर में ग्राहक क्या करेगा, इस 100 रुपए के माल को खरीद के ले जाएगा. ये 5 रुपए ग्राहक से जो कम वसूल हुए वो व्यापारी के लिए डिस्काउंट यानी बट्टा है, छूट है. ठीक है, जिसको कटौती कहते हैं. आया समझ में? अच्छा, अब ये कटौती है ना, व्यापारी को देखो 100 रुपए का माल था, माल 100 में बेचना था, बेच कितने में दिया? 5 रुपए में. इसका मतलब व्यापारी को 5 रुपए का यह नुकसान हो रहा है ना, इसलिए इसको व्यापार के लिए क्या माना जाता है, हानि या खर्चा माना जाता है. और खर्चा मानकर इसको व्यापार की पुस्तकों में आयगत खर्चा मानकर लेखा करते हैं. दूसरी बात देखिए, इसने माल बेच दिया और माल बेचा 100 रुपए का, और वह माल बेचा उधार. तो व्यापारी क्या चाहता है कि उधार बिक्री की राशि उसको जितना संभव हो कम से कम समय में मिले, जल्दी से जल्दी वो रकम उसको प्राप्त हो. क्यों? क्योंकि जितनी रकम प्राप्त होगी उतने से ही फिर नया उत्पादन और करेगा और बाजार में बेचेगा, फिर उसकी बिक्री बढ़ेगी. इस प्रकार नगद राशि तत्काल आने से उसका कैश का जो टर्नओवर है ना वो चलता रहता है. आया समझ में? तो वह क्या करता है कि अपने ग्राहकों को कहता है कि भी आपने उधार माल खरीदा है, अगर आप इसको जितना जल्दी भुगतान करेंगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है, और वो फायदा कैसे होगा कि हम आपको थोड़ी सी इसमें छूट देने वाले हैं. कैसे? कि 100 रुपए का माल है और आप इसको अभी भुगतान कर देते हैं तो हम आपसे 90 रुपए लेंगे, 10 रुपए छूट मिल जाएगी आपको. तो ये 10 रुपए छूट है वो व्यापारी के लिए डिस्काउंट यानी कटौती यानी बट्टा है. आया समझ में? अच्छा जी, दूसरी बात ये देखिए, आपने 10 रुपए की छूट दे दी, कब? जब तत्काल भुगतान किया. तो बताओ ग्राहक क्या करेगा, उधार में खरीदना चाहेगा कि नगद में चाहेगा? नगद में चाहेगा ना, अगर उसके पास पैसे है तो वो नगद में खरीदना चाहेगा ताकि 10 रुपए उसको बचत हो सके. अब वह तत्काल पेमेंट नहीं कर पाता, उसके पास नगद में पैसे है नहीं, तो वह उधार ले जाता है. और उधार ले जाने पर व्यवसायी क्या कहता है कि अगर भैया आप इसका 5 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे ना तो आपको हम ये वस्तु देंगे, वो 92 रुपए में दे देंगे, यानी आपको 8 रुपए की छूट मिल जाएगी. तो वह ग्राहक क्या करेगा, 5 दिनों के अंदर पेमेंट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां उसको 8 रुपए का फायदा हो रहा है और व्यवसायी को यहां 8 रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान. अगर वो कहता है कि अगर आप इस 5 दिन की जगह 10 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो आपको फिर 95 रुपए देने पड़ेंगे, अगर आप 10 दिन के बाद पेमेंट करोगे तो फिर आपको 98 रुपए देने पड़ेंगे.
यानी पूरे 100 के 100 देने पड़ेंगे। तो बताओ ग्राहक क्या करेगा, अगर 10 दिन के बाद करता है तो 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो वो 10 दिन के अंदर पेमेंट करने जाएगा नहीं जाएगा। इस प्रकार से ग्राहक अपने व्यवसायी अपने ग्राहक से अति शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए और अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए कुछ छूट देता है, और उस छूट की राशि को क्या कहते हैं, डिस्काउंट यानी बटा। और डिस्काउंट होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के, ठीक है। एक होता है रोकड़ बटा, रोकड़ी बटा यानी कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। और दूसरा होता है व्यापारिक बटा। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। देखो इनमें अंतर क्या है, इनमें मुख्यतः तीन प्रकार के अंतर होते हैं। पहला अंतर है इसका उद्देश्य, पहला अंतर किसमें है, उद्देश्य के रूप में। तो रोकड़ बट्टा देने का उद्देश्य क्या होता है, शीघ्र भुगतान को प्राप्त करना। इसका उद्देश्य क्या होता है, शीघ्र भुगतान प्राप्त। ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो ग्राहक उधार माल खरीद के ले गया वो उसका जल्दी से जल्दी भुगतान कर दे ताकि व्यवसायी के पास कैश आ जाए और ग्राहक को फायदा, उसको डिस्काउंट के रूप में छूट मिले। और इसका उद्देश्य होता है बिक्री को बढ़ाना, इसका उद्देश्य क्या होता है, बिक्री को बढ़ाना। ठीक है, अब बिक्री को कैसे बढ़ाना, ध्यान देना, यह बिक्री को कैसे बढ़ाता है। आपको पता है कोई ग्राहक उधार माल लेके जा रहा है, नगद लेके जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, ठीक है, वो अगर माल खरीदेगा तभी तो उसको छूट मिलेगी ना। तो वह छूट के चक्कर में क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा माल खरीदने की कोशिश करता है। मैं इसके उदाहरण देता हूं आपको, आपने देखा होगा बाजार में